हेलो गाइज, मैं ज्योति। वेलकम टू माय चैनल ज्योति फूड मंत्रा। आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल मसाला दो प्याज़ा, जो खाने में एकदम टेस्टी एंड इजी वे में इसको बनाया जा सकता है। इस वीडियो को एंड कर जरूर देखें। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं इस टाइप के। साथ में मैंने यहाँ पे 5 कली लहसुन के लिए, साथ में मैंने यहाँ पे ऑनियन को एक लंबा काट लिया है, दूसरी को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। साथ में मैंने यहाँ पे टमाटर को भी चॉप कर लिया है। यहाँ पे हम खड़ा मसाला यूज करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, जिसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। इसके बाद हम इन पीसेस को इसमें डाल देंगे। इसे मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप कढ़ाई में भी बना सकते हो। इसे हम 3-4 मिनट तक ब्राउन होने के लिए भून लेंगे। ये ब्राउन हो चुका है। इसे हम प्लेट में ले लेंगे। आप देख सकते हो इसका कलर ब्राउन आ चुका है। इसके बाद मैं फिर से यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। साथ में मैंने यहाँ पे खड़ा मसाला लिया है, जिसमें मैंने लाल मिर्च, दालचीनी, तेज़पत्ता, करी पत्ता, बड़ी इलायची, इन सबको मैंने लिया है। इन सबको मैं इस पर डाल दूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करूँगी। साथ में मैं यहाँ पे थोड़ा सा हींग ऐड करूँगी। इन सबको हम मिला लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर इनको 1 बाय 1 इसको डाल दूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर लहसुन डालूंगी। इन सबको हमें मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। लहसुन के बाद मैं यहाँ पर ऑनियन के पीसेस डाल दूंगी, जिसको मैंने लंबा काट लिया था। इसे हमें एक साथ नहीं डालना है, 1 बाय 1 सबको भूनने के बाद ही डालना है। इसके बाद मैं यहाँ पे चॉप किया हुआ ऑनियन डाल दूंगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे चॉप किया हुआ टमाटर भी डाल दूंगी। इन सबको हम आपस में मिला देंगे। ये हमारा पक चुका है, इसे हम 2 से 3 मिनट तक इसको हम पका लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे कटहल के पीसेस को इसमें मैं डाल दूंगी। इन सबको आपस में हम मिला देंगे। इन सबको मिलाने के बाद यहाँ पे हम मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च,
वन टेबल स्पून सॉल्ट एज पर टेस्ट, इन सबको आपस में मिला देंगे। इसके बाद वहाँ पर मैं एक गिलास पानी यूज़ करूँगी। और यहाँ पर और हाफ ग्लास पानी और ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 ग्लास पानी का यूज़ किया है। इन सबको आपस में हम मिला देंगे। इसके ढक्कन को हम बंद कर देंगे। 3-4 सीटी हम इसमें हम लेंगे मीडियम फ्लेम पे। ये हमारा बन चुका है। इसमें आप पानी को आप जलाना चाहो तो जला सकते हो, वरना आप इस पानी को छोड़ सकते हो। इसको हम बाउल में ले लेंगे। यहाँ पर आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो लास्ट में। इसे हम राइस के साथ सर्व भी कर सकते हैं। तो फाइनली ककेल मसाला 2 प्याज़ा बन चुका है, जिसको मैंने राइस के साथ सर्व किया है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक।